नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। मैं आदित्य तिवारी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आप कई बातें सुन रहे हैं, लेकिन एक बात जो पक्की सी लगने लगी है वह है कि इस बार मोदी सरकार यानी 400 पार। और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है या इतिहास में पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। राजीव गांधी जी ने जब अपना पहला इलेक्शन फेस किया था तो इतनी ही बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री उन्हें मिली थी। 84 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने 404 सीटें जीती थी 514 सीटों में, और इसके बाद 10 और सीटों पे जो आगे चुनाव हुए थे उन्हें भी जीता। यानी उस लोकसभा में 414 सीटों पर कांग्रेस जीत कर आई थी। कुछ लोग इसे राजीव गांधी जी के चैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी को लेकर कहते हैं, और कुछ का कहना है कि संवेदना की लहर पर राजीव गांधी इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाए थे। उससे पहले ही इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई थी। इन इलेक्शंस में एक और बड़ी बात हुई थी कि पहली बार एक रीजनल पार्टी देश की नेशनल ऑपोजिशन पार्टी बन गई थी। यह पार्टी थी आंध्र प्रदेश की TDP, तेलुगु देशम पार्टी। NT रामा राव इसका नेतृत्व कर रहे थे। 1984 से लेकर 2014 तक किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाई थी लोकसभा में। 2014 में ये फिर से हुआ और 84 के बाद पहली बार हुआ कि किसी पार्टी को लोकसभा में संपूर्ण बहुमत मिला था। वह थी भाजपा, नरेंद्र मोदी जी की पहली सरकार तब आई थी। इसके बाद 2019 में एक और करिश्मा हुआ। पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी जी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पहले प्रधानमंत्री थे जो पूर्ण बहुमत के साथ दूसरी बार सत्ता में लौटे। भाजपा ने अकेले 303 सीटें हासिल की और इस बार BJP का लक्ष्य है कि वे 400 सीटों से अधिक पाएं। वाला प्रश्न उठता है कि क्या यह इतना मुश्किल है? मैं जवाब दूंगा, मोदी है तो मुमकिन है। आइए इसका कारण समझते हैं। आज देश भर में जहां 543 सीटें, वहीं लोकसभा में NDA के पास, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के पास 339 सीटें हैं। NDA जो कि 36 दलों का गठबंधन है, भाजपा उसमें सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा के पास 303 सीटें हैं। अगर आप उत्तर भारत को देखें जिसमें नॉर्थ ईस्ट भी इंक्लूडेड है तो उसमें 413 सीटें आती हैं, जिसमें NDA अकेले के पास 310 सीटें हैं। कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था, जैसे अरुणाचल प्रदेश की दोनों ही सीटें भाजपा ने जीती। आसाम में 9 सीटें भाजपा के पास थी 14 में से। बिहार में 40 में से 39 सीटें NDA के पास थी, जिसमें 17 सीटें BJP के पास, 16 सीटें JDU नीतीश कुमार जी की पार्टी के पास, 6 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी के पास जो पासवान जी की पार्टी है, और सिर्फ एक सीट ही कांग्रेस जीत पाई थी। यहां लालू यादव की पार्टी RJD उनका खाता भी नहीं खुला। चंडीगढ़ की एक सीट पर भाजपा का कब्जा। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 9 सीटें भाजपा जीती थी और सिर्फ 2 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई थी। दोनों ही टेरिटरी दमन एंड दीव और दिल्ली में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया। गोवा में मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच 1-1 पर था। अब बस आप इन बड़े स्टेट्स को देखते जाइए। गुजरात में क्लीन स्वीप 26 सीटों के साथ, हरियाणा में क्लीन स्वीप 10 सीटों के साथ, हिमाचल में क्लीन स्वीप 4 सीटों के साथ, जम्मू कश्मीर में भी भाजपा ने 6 में से 3 सीटें जीती, झारखंड में 14 में से 11 सीटें भाजपा के पास थी और 3 अन्य दलों के पास। मध्य प्रदेश में 2014 से भी बेटर प्रदर्शन करते हुए भाजपा ने 28 सीटें जीती। सिर्फ एक सीट रह गई थी जो कांग्रेस के कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा से जीती थी। इन्हीं इलेक्शंस में ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से अपनी सीट हार चुके थे। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में सर्वाधिक सीटें हैं, कुल 48 सीटें हैं। उस वक्त भाजपा और शिवसेना के बीच गठबंधन था। 48 में से 41 सीटें NDA ने जीती थी, भाजपा ने 23 और शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी। अन्य दलों के पास सिर्फ 7 सीटें आई थी, जिसमें कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट थी। यहां NCP कांग्रेस फिर भी कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है, जिनके पास 4 सीटें थी। मणिपुर में भाजपा ने 1 सीट जीती। उड़ीसा में जहां 21 सीटें, वहां भाजपा और बीजू जनता दल के बीच में एक बहुत हेल्थी कॉम्पिटिशन होता है। चुनाव तो ये दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं। 21 सीटों में से BJD ने 12 सीटें जीती थी और वहीं भाजपा ने 8 सीटों पर जीत हासिल की। पंजाब में 13 सीटों पर भाजपा मजबूत स्थिति में नहीं दिखती। भाजपा के पास सिर्फ यहां 2 सीटें थी और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी थी 8 सीटों के साथ में। राजस्थान की 25 सीटों में NDA का क्लीन स्वीप। त्रिपुरा की दोनों सीटों पर भाजपा। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, वहां पर भाजपा और NDA ने 80 में से 64 सीटें जीती थी और इन्हीं इलेक्शंस में राहुल गांधी अमेठी से अपनी सीट हार गए थे। उत्तराखंड की 5 सीटों पर भाजपा का कब्जा था। देश भर में सबसे गर्म इलेक्शंस बंगाल में थे। 42 सीटों वाला यह राज्य यूं तो ममता दीदी का गढ़ है और यहां तृणमूल कांग्रेस विजयी रहती है। पिछले इलेक्शंस में भाजपा ने इनको जमकर पटकनी दी। 2014 लोकसभा चुनावों में जहां तृणमूल कांग्रेस ने 42 में से 34 सीटें जीती थी, वहीं उनका इस बार 12 सीटों का घाटा हुआ। केवल 22 सीटें ही 2019 में तृणमूल कांग्रेस जीत पाई थी और भाजपा ने 2 से अपनी टैली 18 पहुंचा दी थी। लंबे समय तक बंगाल में लेफ्ट का दबदबा था, लेकिन अब उनकी सीट 0 पहुंच गई थी और कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर रह गई। अगर आप मोटा मोटा इन स्टेट्स को देखें तो अभी भी यहां पे मोदी लहर है।
हाल ही में घटे विधानसभा के चुनाव में भी साफ दिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कम नहीं हुई। बिहार में महागठबंधन को तोड़ते हुए नीतीश कुमार अब एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं, यानी बीजेपी को वापस से बिहार में बड़ा फायदा मिलेगा और 39 सीट्स तक अराउंड तो वापस से उन्हें जीत मिलेगी ही मिलेगी। बंगाल की 42 सीटों में भाजपा का लक्ष्य है कि इस बार 35 पार जाना है। उड़ीसा में भी स्थिति इसी प्रकार की रहेगी। बीजेटी और बीजेपी के बीच में एक हेल्थी कॉम्पिटिशन होगा और जहाँ तक है बीजेटी बड़ी पार्टी के रूप में सामने रहेगी। पंजाब की 13 सीटों में जहां आम आदमी पार्टी के भगवत मान जी ने कहा है कि वे अकेले चुनाव लड़ेंगे, यह साफ दिखाता है कि यहां इंडियन नेशनल कांग्रेस को झटका लगने वाला है। पिछले इलेक्शंस में जहां आम आदमी पार्टी की सिर्फ एक सीट थी, इस बार उन सीटों का आकलन बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में इस बार भाजपा 75 सीटों पर देख रही है। पिछले इलेक्शंस में जहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन था, जिसके कारण बीएसपी को काफी फायदा हुआ, उनके पास 10 सीटें आईं, पर इस गठबंधन में सपा को काफी नुकसान हुआ क्योंकि बीएसपी का वोट सपा के पास नहीं आया। इस बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाह रही है, हालांकि अभी भी सीट शेयरिंग पर बातें पक्की नहीं हुई। बीएसपी की टैली इस बार काफी कम हो जाएगी क्योंकि वह अकेले चुनाव लड़ रही है और इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। भारत में भाजपा फिर से सरकार बना रही है, बस यही निष्कर्ष निकालना बाकी है कि इस बार 400 पार या उससे कम में ही भाजपा को संतोष करना पड़ेगा। यह संपूर्ण विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं, अपने सुझाव भी लिखिएगा, यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।